डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास फिफ्थ। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4B अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4B, फर्स्ट क्वेश्चन A1, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, द लार्जेस्ट रिमाइंडर दैट कैन बी लेफ्ट। ओके, इसका मतलब होता है जब किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया जाता है तो उसका सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या हो सकता है। तो किसी भी नंबर्स को जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइज़र कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, उसका रिमाइंडर उससे सबसे बड़ा रिमाइंडर उसका उससे वन लेस होगा। जैसे आप किसी नंबर को 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 24। किसी नंबर को आप 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 12। तो आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पर जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या हो सकता है इसका सबसे बड़ा रिमाइंडर, यस 6। इसका सबसे बड़ा रिमाइंडर 6 हो सकता है। नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ द डिजिट इन द प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। किस प्लेस को देखते हैं हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल में, वंस के प्लेस के डिजिट को। आपका यदि डिजिट्स इन द वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 2, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन बी की प्रॉब्लम्स नोटबुक में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे कि यहाँ एक साथ दोनों चीज़ें दिखा पाना संभव नहीं है, तो आप लोगों को बस बुक आप लोगों को सेल्फ अपनी ओपन करके रखनी है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वी, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में राइट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बुक की हेल्प से ही रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 6। तो यहाँ पर आपके नंबर हैं 254, बी नंबर पर है 1232, सी पर आपका प्रॉब्लम है 7908 और डी प्रॉब्लम है आपकी 27414। इसके सॉल्यूशन में आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 6। ओके, सो यहाँ पर राइट करेंगे द नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाय 2 व्हाट नॉट बाय 6 आर, वो कौन कौन से नंबर है वो हमको देखना है। 254 में हम देखते हैं कि यह 2 से तो डिविजिबल है पर यह 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 2 + 5 = 7, 7 + 4 = 11। 11 इसका डिजिट सम आ रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि उसका जो डिजिट सम आता है वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर यह 3 से डिविजिबल नहीं है तो यह 2 से डिविजिबल तो है, 6 से डिविजिबल नहीं है। सो आपका ऑप्शन ए 254 2 से डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट नंबर 1232, यहाँ पर वंस प्लेस पर 2 है, इवन डिजिट है, इवन नंबर है, तो यह 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी, 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8। इसका डिजिट सम आ रहा 8 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं होते हैं वह 6 से डिविजिबल नहीं होते हैं। 2 या 3 दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो वह 6 से डिविजिबल नहीं होता है। यह 2 से डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है। 1232। नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे 7908, 8 है इसके वंस प्लेस पर, इवन नंबर है या 2 से डिविजिबल होगा, बट इसका डिजिट सम कितना आता है, 8 + 0 = 8 + 9, 9 + 8 = 17, 17 + 7 = 24। 24 3 से डिविजिबल होता है,
क्योंकि यह नंबर टू से भी डिविजिबल है और थ्री से भी डिविजिबल है, तो यह सिक्स से भी डिविजिबल होगा। बट हमें तो वो नंबर फाइंड करने हैं जो टू से डिविजिबल है, सिक्स से डिविजिबल नहीं है। ऐसा ही नेक्स्ट नंबर डी, इसका फोर वंस प्लेस पर फोर है तो यह इवन नंबर है, टू से डिविजिबल है। यहाँ डिजिट सम करेंगे, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस टू एट्टीन, एट्टीन इसका डिजिट सम आ रहा है जो थ्री से डिविजिबल है, दैट मीन्स यह नंबर भी थ्री से डिविजिबल है, तो सिक्स से भी डिविजिबल होगा। टू थ्री दोनों से डिविजिबल है तो सिक्स से भी डिविजिबल होगा। अब इसी एक्सरसाइज का आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट बाय फिफ्टीन। आपके नंबर हैं 45, 504, 1230, डी नंबर पर है आपका 43,720। तो आपको इसमें वो नंबर्स सॉर्ट करने हैं जो 3 से डिविजिबल हैं बट 15 से डिविजिबल नहीं है। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 15, और वो नंबर्स कौन कौन से हैं वो हमको यहाँ राइट करना है। ओके, 45 आप देखते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, तो वह 3 और 5 का प्रोडक्ट है 15, उससे भी डिविजिबल होंगे, दोनों प्राइम नंबर्स हैं 3 एंड 5। तो आप लोगों को हर एक नंबर्स को 3 और 5 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक करना है। अब यहाँ 4 प्लस 5 9 होता है, 3 से डिविजिबल है, इसके वंस प्लेस पर 5 है तो यह 5 से भी डिविजिबल है। तो यह नंबर दोनों से डिविजिबल है तो यह आपका आंसर नहीं है। आपको तो वो नंबर फाइंड करने हैं जो 3 से डिविजिबल हैं पर 15 से डिविजिबल नहीं है। 504, यहाँ पर हम देखते हैं वंस प्लेस पर 5 नहीं है तो यह 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल, 5 प्लस 4 9 हो रहा है तो यह 3 से डिविजिबल तो है बट 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यह 15 से भी डिविजिबल नहीं है। 504 आपको एक नंबर मिल गया। दूसरा चेक करते हैं 1230, यहाँ पर इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 6, 6 3 से डिविजिबल होता है, वंस प्लेस पर 0 है तो यह 5 से भी डिविजिबल है, तो आपका यह नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डी को चेक करते हैं, यहाँ डिजिट सम देते हैं पहले 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, 16 आपका डिजिट सम आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। यह नंबर 5 से डिविजिबल तो होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 0 है, पर हमें देखना है क्या दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो यह नंबर 5 से डिविजिबल तो है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यह 15 से भी डिविजिबल नहीं है। सॉरी, आपको वो नंबर राइट करने हैं जो 15 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल नहीं है। तो सी नंबर पर जो नंबर था ये 3 से डिविजिबल भी था, 5 से भी था, तो 15 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स हमको डी नंबर हमारा क्वेश्चन। ओके, यह नंबर 15 से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में आपकी प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। आपके नंबर हैं 13,408, 35,056, सी नंबर पर आपका नंबर है 8,10,524, डी नंबर पर आपका नंबर है 26,27,000। तो हमें दोनों का चेक करने के बजाय आपको क्या चेक करना है, सिर्फ 8 का चेक कर लें। आपको अब वो नंबर स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन 3 में जो
फोर और एट दोनों से डिविजिबल हैं, तो आप सिर्फ एट से डिविजिबल नंबर चेक कर लें, जो नंबर एट से डिविजिबल है वो फोर से डिविजिबल तो होता ही है। ओके, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय फोर एंड एट आर, वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं 524, हमें एट का देखने के लिए इसके हंड्रेड टेंस और वंस डिजिट से नंबर को देखना है। 408, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह एट से डिविजिबल, एट फाइव जब 40, एट वन जा एट, तो यह एट से डिविजिबल है तो यह फोर से डिविजिबल भी होगा। तो आपका 13408 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। यहाँ पर हम देखते हैं हंड्रेड टेंस और वन से जो नंबर बन रहा है दैट इज़ 56, यहाँ पर यह एट से डिविजिबल है, एट से बन जाए 56, तो यह भी आपका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 524, इसको एट से डिवाइड करते हैं, एट एट जा 64, आपका फोर रिमाइंडर रहेगा यहाँ पर फोर, तो फिर एट फोर जा 40, फिर फोर रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर, इसके तीनों प्लेस पर हंड्रेड टेंस और वंस प्लेस पर जीरो हैं, तो ऐसा नंबर जिसके हंड्रेड वंस और टेंस प्लेस पर जीरो होते हैं वह एट से डिविजिबल होते हैं, एट से डिविजिबल हैं तो वह फोर से डिविजिबल भी होंगे। ओके, आप लोगों को इसको फेयर वर्क में कंप्लीट कर लेना है। ओके, बाय, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट क्लास।